नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जनपद अयोध्या में सिंचाई खंड के प्रांगण में सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की शाखा नलकूप खंड अयोध्या का चुनाव प्रांतीय पर्यवेक्षक अवधेश कुमार मिश्रा के देखरेख में और स्थानीय रूप से विभागीय पर्यवेक्षक प्रभाकर नाथ तिवारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में सम्पन्न हुआ, जिसमें राजकुमार पांडे को अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया व राम सुरेश को सिंचाई संघ का संगठन मंत्री निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं संगठन के लोगों ने जीते हुए अध्यक्ष व मंत्री का माला पहनाकर व मिष्ठान खिलाकर बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया, तो वहीं निर्विरोध जीते अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने सभी संगठन के पदाधिकारियों व आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बताया कि 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद संगठन का चुनाव होता जिसमें मुझे एक बार फिर से संगठन के लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद देकर निर्विरोध अध्यक्ष चुना है, जिसका मैं पूरी मेहनत से निर्वहन कर संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा और हमेशा संगठन के लोगों की समस्या का हल करने का प्रयास करता रहूंगा। इस चुनाव के कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नरेश शुक्ला, मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद महेश तिवारी, संरक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व अन्य सम्मानित लोगों की उपस्थिति में निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण संरक्षक द्वारा कराया गया और निर्देशित किया गया कि 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी का विस्तार कर लिया जाएगा। आपको नियुक्ति किस तरीके के चुनाव था और आपको किस पद पर जीत हासिल हुई और संगठन को किस तरीके से आप मजबूत करके कार्यान्वयन करेंगे? सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की स्थानीय शाखा नलकूप खंड अयोध्या का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसी कार्यकाल के क्रम में यहाँ अधिवेशन और चुनाव घोषित किया गया था। लोगों के अपार प्रेम से हमारी जो पुरानी टीम है, हमारे साथ राम सुरेश जी मंत्री हैं, ये साथियों ने बहाल किया है। इसके लिए खंड के और प्रदेश से आए पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की। संगठन के लिए, समाज के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए मैं स्वयं तत्पर हूँ। अच्छा, ये चुनाव जो होता है संगठन का, संगठन का उद्देश्य होता है अगर कोई भी समाज में संगठन को अगर कुचलने का प्रयास करता है, कोई अधिकारी जब गलत भ्रमित हो जाता है, तो संगठन और समाज मिलकर उस अधिकारी को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं। समाज के किसी भी व्यक्ति पे कोई भी आंच, अधिकारी द्वारा कोई भी धमकी दी जाती है तो संगठन उसके लिए सदैव तत्पर। एक बार फिर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जीत हुई आज लोगों के प्यार से अध्यक्ष पद पे समाज ने निर्विरोध निर्वाचित किया है और राम सुरेश जी को मंत्री के रूप में निर्वाचित। अध्यक्ष आप बने हैं, संगठन में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। किसी भी साथी पे किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में हम पूरी तरह चट्टान की तरह खड़े। क्या नाम आपका? राजकुमार पांडे, अध्यक्ष सिंचाई संघ। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश स्थानीय शाखा, आज 21-10-2021 को निर्विरोध चुनाव निर्विरोध हुआ और सारे कर्मचारी हमारे संगठन के पदाधिकारी और संगठन राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश के कितने पदों पर चुनाव होना था? अध्यक्ष मंत्री। अच्छा, तो यहाँ पे कौन मतलब उसके बारे में से कार्यक्रम शुरू हुआ है 11 बजे, और उसके बाद यहाँ के कर्मचारी संगठन सिंचाई संघ कर्मचारी जो है हमारे सदस्य हैं उनको निर्विरोध संगठन को किस तरह की मजबूत करेंगे? संगठन को अधिक से अधिक कार्य निष्ठा से और ईमानदारी से अधिकारी का हर मनोबल से कार्य दायित्व का निर्वहन करेंगे, उनके साथ हमें समर्पण। क्या नाम आपका? राम सुरेश मंत्री।